नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अगेन वन लाइनर जीके की। ये सभी क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले पता होने चाहिए। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो एसएससी का, या फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हो रेलवे का, या फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हो किसी पीसीएस का, स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, वहाँ पर भी आपकी ये जीके काफ़ी काम आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को काफ़ी लाइक करेंगे और इस वीडियो में जो भी जीके होगी वो होगी एक लाइन में, मतलब वन लाइनर जीके होगी। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इस वीडियो को अभी तुरंत पॉज करिए, अपने साथ एक नोटबुक रखिए और कोई भी क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा लिखने के लिए। प्लीज़ उसको लिखने में कंजूसी मत करना। अगर आप अपने नोट्स बनाने में कंजूसी करते हैं, आप केवल एक डेडिकेटेड बुक के पीछे पढ़ चुके हैं कि उसको पढ़ रहे हैं, वो भी आप सही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है उसमें। लेकिन देखिए, जीके का एरिया वाइड लोगों ने बना रखा है कि बहुत बड़ा है, असीमित है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कहाँ तक पूरा करें। स्टैटिक जीके आपकी एक की होगी। स्टैटिक जीके इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता की एक की जो है वो है स्टैटिक जीके, जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्टैटिक जीके में आपको आता है कि कौन सा बांध कौन से राज्य में पड़ता है, वो स्टैटिक जीके में आता है कि हमारे प्रधानमंत्री प्रथम कौन रहे थे, या फिर प्रथम भारत से संबंधित न्यायाधीश कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, यहाँ के नौसेना अध्यक्ष कौन थे। तो ये सब जीके होती है स्टैटिक जीके, आपके हर एग्जाम में काम आती है। तो वही मेरा एक छोटा सा प्रयास है। काफ़ी सारे वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड करे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहली जो लाइन है हमारे पास जीके की, उसमें कहता है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कौन सी कला का हुआ था, वास्तुकला का। एग्जाम में आपसे क्या करता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा फिरा के पूछ लेता है। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन रीड करते हैं तो प्लीज़ अपने माइंड में एक स्किल्स आप डेवलप करिए कि वो हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे सामने लैंग्वेज को इस तरह से प्रेजेंट करें कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं और उस क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर लगा के अपने आ जाएं। तो ये स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। कोई बात नहीं, समय लगता है। अगर आप अभी नए फ्रेशर हैं, अगर आप इस फील्ड में नए नए आए हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। स्किल्स डेवलप करने में थोड़ा सा अटेंशन रखिएगा कि हाँ, मुझे ये स्किल्स डेवलप करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए। लाल किले में मुगल वर्चस्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हुआ। लाल किले में मुगल का जो वर्चस्व था, अधिकार था, किस राजा के पतन के बाद समाप्त हो गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। ज्यामिति के पिता कौन है? ज्यामिति का पिता कहा जाता है यूक्लिड को। विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भांगड़ा बांध। देखिए, बांध हो गया आपका, कोई भी बांध हो गया, तो बांध से लेकर के एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सेकंड थिंग इज दैट कि एक होता है डेज, कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, या फिर आपसे बोलेगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप किसी भी बुक में देखिएगा, डेज तो आपको हर बुक में मिल जाएंगे। अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ भांगड़ा बांध। भांगड़ा बांध से संबंधित कभी कभी पूछता है कि हमारे की सू नहर कौन से स्थान पे है, किस कंट्री में है सू नहर। बांध के साथ नहर कभी 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 जिक्र करता है, जैसे कि सू नहर हमारी है यूएसए में। अगर हम बात करें गोटा नहर, यह है स्वीडन में। बात करें हम मैनचेस्टर नहर, अगर पूछता है एग्जाम में, तो वह है ग्रेट ब्रिटेन। प्लीज़ आप इसको लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। इससे अलग जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सभी क्वेश्चंस क्या है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा बांध कहाँ पड़ता है, या फिर कौन सी नहर कहाँ पड़ती है। तो स्वेज नहर जो होती है किस स्थान पे है, ये है मिस्र में। ये स्वेज नहर वाला भी टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है। जैसे कि बोलते हैं कि स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में मिलाती है, या किन दो आपस में सागरों के बीच में बहती है, तो इसका राइट आंसर होगा लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में। जिस किसी ने एग्जाम दिए हैं कॉम्पिटिशन्स के, तो उनको शायद आइडिया लग गया होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, वन लाइनर जीके कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि समुद्र जल से शुद्ध जल डेस्टिलेशन से प्राप्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल और रुस्का ने किया था। संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? प्रधानमंत्री को कहते थे पेशवा। अगला क्वेश्चन है कि शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से लेकर के 63 के बीच में हुआ था।
शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है। क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड में बनता है। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन के होता है। देखिए, रक्त का स्कंदन का मतलब होता है क्लॉटिंग, क्लॉटिंग का मतलब होता है जमना। जब भी कभी हमें चोट लगती है तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसमें से ब्लड बहना शुरू होता है, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो ब्लड वहीं पे रुक जाता है। उसके ऊपर क्या होती है, एक छोटी सी लेयर बन जाती है, ठीक है। ब्लड क्या होता है, वहीं पे जम जाता है। तो ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया में विटामिन के काम करता है, ठीक है। और विटामिन के मैक्सिमम किस में होता है, कभी अगर आपसे ये पूछे, तो विटामिन के मैक्सिमम जो पाया जाता है वो होता है टमाटर में। विटामिन के किस में होता है, टमाटर में, इसलिए हम मैक्सिमम सब्जियों में टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ पूछता है हमसे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत के पिता तथा आदि गुरु पुरंदर दास को कहा जाता था जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। श्री श्री रविशंकर के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन इसके फाउंडर कौन थे, भगवान रजनीश। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता राम सुभंग सिंह थे। डक्कन पैसेज दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम डाई ड्रॉक्साइड होता है। भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है, बांदीपुर नेशनल पार्क। इसी के साथ नेशनल पार्क से संबंधित एक क्वेश्चन मैं और लिखवाना चाहूंगा प्यारे बच्चों, आप लिखिए उसको, कॉर्बेट नेशनल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, यह है उत्तराखंड में। बहुत सारे नेशनल पार्क है, अगर मैं इसी वीडियो में सारे पार्क बता दूंगा आपको तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, शायद मेरा ये वीडियो खत्म ना हो पाए आज, ठीक है। नॉलेज बहुत सारी है, धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा संयम बना के चलिए अपने साथ में। अगला क्वेश्चन है, लेजर, लेजर का आविष्कार करा था टी एच मैमन ने। सहतारा जिसको बोलते हैं, सितार का जनक किसको बोलते हैं, अमीर खुसरो को समझा जाता है। वीडियो टेप का आविष्कार करा था चार्ल्स गिंसबर्ग ने। शरीर के ताप स्थाई रखने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हमारी बॉडी में टोटल ग्रंथि कितनी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, वो होती है 9, याद रखिएगा, टोटल 9 हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उसमें हाइपोथैलेमस भी एक आता है, तो ये आप याद रखिएगा, टोटल मिला के 9। कभी भी एग्जाम में पूछता है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि की टोटल संख्या कितनी है, 7, 8, 9, 10 ऑप्शन देगा, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है, तो आपको राइट आंसर याद रखना है 9। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता आचार्य विनोबा भावे हैं। अगला क्वेश्चन, प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्नहर वॉन बोर ने किया था। सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन माइकल एंजेलो ने किया था। भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर पंडचला हरि कृष्ण है। हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। रासायनिक रूप से रेशम क्या होता है, रेशम एक्चुअली रासायनिक रूप से क्या कहलाता है, एंजाइम, प्रोटीन, आपको इस तरह का ऑप्शन देगा, बट आपको राइट आंसर याद रखना है प्रोटीन। गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज इसको आप स्किप मत करिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता एग्जाम में ये पूछता है कि गांधी जी खादी को किस रूप में देखते थे, या गांधी जी के दृष्टि में खादी का वास्तविक प्रतीक क्या था। वास्तविक प्रतीक जो था वो था आर्थिक स्वतंत्रता। ये आपके एमटीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और यूपी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप। अगर आप यूपी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यूपी में भी आप इस सभी क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टैटिक जीके है, हर एग्जाम में काम आने वाली है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है, लैटिन। पॉलिथीन एथलीन से बनता है। साबुन उद्योग से मिलने वाला उत्पाद क्या है, ग्लीस रोल। पके हुए अंगूर में क्या होता है, ग्लूकोज। रेयान सेलुलोज से बनाया जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या होता है, एनीमोमीटर। देखिए, एनीमोमीटर के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आपको, कुछ यंत्र क्या होते हैं, एक होता है ऑल्टीमीटर, ठीक है। ऑल्टीमीटर क्या होता है, यह एक ऊंचाई मापक यंत्र होता है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। एक तो आपको ऑल्टीमीटर पूछता है आपसे, अगला पूछता है
बैरोग्राफ, ठीक है ना। बैरोग्राफ क्या करता है वो भी आप लिख लीजिए शॉर्ट में अपना। बैरोग्राफ यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार मापता रहता है कि वायु दाब क्या चल रहा है वायुमंडल में, उसको मेजरमेंट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपने देखा कि इसी के साथ एक वर्ड आप और लिखिए, बैरोमीटर, ठीक है। आई होप आपको पता होगा बैरोमीटर क्या काम करता है। यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है, ठीक है। और हमारा जो भूकंप होता है, अर्थक्वेक जो आता है, हमारा नहीं एक्चुअली, मतलब ये प्राकृतिक होता है, तो इससे क्या नापा जाता है, ठीक है। फैदोमीटर के बारे में देखो आपको पता होगा, वैसे भूकंप को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये सभी बच्चों को पता होगा जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना इसका राइट आंसर जरूर लिख के भेजना, ठीक है। और इसके साथ जो मतलब कि जो यंत्र है भूकंप मापने का, उसमें जो काउंटिंग होती है कितने से कितने तक होती है, हो सके तो प्लीज मुझे ये भी लिख के भेजिएगा, ठीक है। अगर आप सीजर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए काउंटिंग के बारे में भी, काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, क्योंकि एग्जाम में कई बार उस यंत्र में होने वाले न्यूमेरिक की काउंटिंग भी पूछ लेता है। 2011 सीजर में ये एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला, 1 मीटर और लिखिए, फैदोमीटर, ठीक है। फैदोमीटर क्या होता है, समुद्र की गहराई नापने के काम आता है ये, ठीक है। फैदोमीटर से क्या करते हैं, समुद्र कितना डीप है, कितना गहरा है, वो गहराई नापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करा जाता है। बेसिक यंत्र आपको बता दिए मैंने, और शायद आपने लिखे होंगे, शायद लगा रहा हूँ, क्योंकि डाउट है मुझे कि बच्चे सुनते बहुत हैं, देखते बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन पेन डाउन बहुत कम करते हैं, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है आपकी तैयारी में, मुझको भी, और खुद में, खुद को भी हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ऐसी बात नहीं है कि यार ठीक है काश बना लिया होता, तो प्लीज़ वो वक्त ना आए कि आपको थोड़ा सा बुरा महसूस हो कि नोट्स क्यों नहीं बनाए। नोट्स आपके पास होने चाहिए अपने खुद के। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क शहर को बिग एप्पल कहा जाता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, या फिर करो या मरो का नारा किसने दिया था, इस तरह के नारे एग्जाम में पूछता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरित मानस नाटक को भभूति ने लिखा था। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्र दामन से है, सलतोरा पर्वतमाला कराकोरम पर्वतमाला के अंग के रूप में है, ताशकंद शहर कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर स्थान पर हुई थी, आंत ज्वार जीवाणु के कारण होता है। आंत ज्वार किसके रीजन के कारण होता है, जीवाणु। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। पेंसिलिन फफूंदी से निकाला जाता है, रक्त के स्कंदन में रक्त प्लेटलेट्स सहायक करता है। मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन उत्तरी आइलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। एग्जाम में ये पूछेगा मानव द्वीप किस किस देश के बीच में है, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। कृत्रिम उपग्रह मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करा जाता है, वह मुस्लिम मकबरा जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, कहाँ पर है, यह है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट का दृढ़ीकरण निर्जलीकरण के कारण होता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ पर है, यह है जेनेवा में। चीन में सिविल सेवा परीक्षाएं सन 600 ईसा में आरंभ हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन लंदन में हुआ था। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। फुटबॉल के गोल की चौड़ाई 24 फुट होती है। भारत में मुद्रा प्रणाली का दार्शनिक 1957 में हुआ था। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 में हुई थी। टमाटर में विटामिन के पाया जाता है, अभी हमने कुछ समय पहले देखा था। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करता है। होलोग्राफी के आविष्कारक डेविस गबोर हैं। 1 पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, ये मैंने स्पेशल हाईलाइट कर रखा है, इसको आप तुरंत याद कर लीजिएगा। 1 पार्सेक इक्वल होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। भारत का बिस्मार्क तथा लोह पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक होती है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी। हवाई द्वीप समूह की खोज कैप्टन कुक ने
1770 ईस्वी में की थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कहाँ पे आया था, 1609 में आया था भारत। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक नलकूप उत्तर प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जबकि सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करी जाए वो है अरब प्रायद्वीप। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। इस चैनल के साथ बने रहिए। और अगर ये वीडियो अगर आपको लगा है कि यूज़फुल है, तो प्लीज़ आपके जो भी फ्रेंड हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। आई होप जल्दी मिलेंगे आपके सामने। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।